हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशांत और मैं जर्मनी में रहता हूँ और आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी सारी नई वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे महीने में 2 से 2.5 लाख रुपये कमा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप स्टूडेंट हो जर्मनी में, आप चाहे बैचलर्स पढ़ रहे हो या मास्टर्स पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे काम भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो मतलब मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम अर्निंग करने का अपनी स्टडी के साथ, वो होता है सबसे पहले कि जब आपकी छुट्टियाँ पड़ती हैं आफ्टर योर एग्जामिनेशन, आफ्टर योर सेमेस्टर, तो उसको बोलते हैं जर्मनी में फेरिन जॉब, मतलब छुट्टियों में हॉलीडेज जो आप जॉब कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं करता हूँ, या मैं शॉपिंग मॉल में कर रहा हूँ, या फिर मैं कहीं रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ, या फिर मैं कहीं पर भी कर रहा हूँ, तो यूजुअली सभी जगह वो पॉसिबिलिटी होती है मैक्सिमम कि आप जब अपनी पढ़ाई के समय पे आप नॉर्मल 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे होते हो, और जब आपकी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो वही काम आपका 20 से 40 आवर्स पर वीक हो जाता है। तो जब वो पर वीक हो जाता है तो फिर आप मतलब फुल टाइम काम कर सकते हो वो फेरिन में, जब आपके पास 1 महीने की छुट्टी हो या 2 महीने की। तो अगर आप काउंट कर लो, अगर आपको 15 यूरोस पर आवर मिल रहे हैं और आप महीने में 160 आवर काम करोगे, तो फिर आप मल्टीप्लाई करोगे अगर 15 × 160 आवर, देन इट विल बी 2400 यूरो। तो मतलब इस तरीके से है कि आप छुट्टियों में ज़्यादा काम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और दूसरी चीज़ जो रही, छुट्टियों में ही आप काम करिए अपने एक नॉर्मल जॉब में, जैसे मैंने आपको पहले भी एक मेरी वीडियो में बताया था, और वैसे ही आपने एक वर्किंग स्टूडेंट की जॉब कर रहे हो जो कि आपके टेक्निकल फील्ड है। तो ड्यूरिंग स्टडी आप एक नॉर्मल वर्किंग आवर पे जॉब कर रहे थे कि 20 घंटा पर वीक, बट अभी जो आपकी छुट्टियाँ पड़ रखी हैं उसमें आप फुल टाइम कर सकते हो। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब वर्किंग स्टूडेंट जॉब कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, तो मेरी ड्यूरिंग सेमेस्टर 20 आवर्स पर वीक करता हूँ, और बाकी जैसे मैंने लास्ट छुट्टियों में किया था, तो फुल टाइम आप 2 महीने काम कर सकते हो। तो जो भी आपकी वेजेस होगी पर आवर, उसकी मल्टीप्लाई आप 160 आवर्स से कर दो, क्योंकि उतना मैक्सिमम आप 1 महीने में कर सकते हो। और जब आप उतना करोगे तो आपको 2400 यूरो 2500 यूरो मिल जाएंगे, उसमें आपका टैक्स भी कटेगा ऑफकोर्स। तो मतलब ये हुआ वे कि आप एक नॉर्मल जॉब से भी, एक या टेक्निकल जॉब से भी, कोई मतलब कोई मैटर नहीं हो रहा इस समय पे। तो आपको क्या है कि आप ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि और ये जॉब्स ना, मतलब अगर आपके पास कोई वर्किंग स्टूडेंट जॉब भी नहीं है या नॉर्मल जॉब भी नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जब, अगर मैंने कहा कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसमें मुझे अपनी पढ़ाई के टाइम पे भी काम नहीं करना, क्योंकि मुझे पढ़ाई मुश्किल है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा ये कंसर्न है कि अगर जब मेरी छुट्टियाँ होंगी तो मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी वो वाली जॉब्स भी होती हैं कि आप सिर्फ छुट्टियों में 2 महीने फुल टाइम काम कर लो और 2400 करके आप मतलब 5000 यूरो 4000 यूरो 2 महीने में कमा सकते हो। तो ये है कि इस तरीके से आप सही तरीके से और छुट्टियों में बढ़िया से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, और अपने चाहे तो घर भेज सकते हो, चाहे तो अपने पूरे आने वाले सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये था कि इस तरीके से आप मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। तो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं अपनी इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी लिंक्स दे दूंगा आपको, जिसमें आप हॉलीडेज जॉब अप्लाई कर सकते हो और अपने ड्यूरिंग वैकेशन आप जॉब करके थोड़े से पैसे कमा सकते हो और अपना जो आगे का चीज़ें हैं, जो अपनी आगे की लाइफ है, उसको थोड़ा सा सेटल कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।